हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको फन एंड फूड जो कि कापासेड़ा गुरुग्राम में है, दोस्तों कापासेड़ा बॉर्डर पर है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसकी कितने की टिकट है, कैसे यहां पहुंचा जा सकता है, क्या हमें यहां करना है, कहां से क्या मिलेगा, कैसी राइड्स हैं, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये फन एंड फूड कापासेड़ा गुरुग्राम का है। कापासेड़ा बॉर्डर लगता है दिल्ली के बॉर्डर पे और गुरुग्राम के बॉर्डर पर है। ये दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर पर, यहाँ पहुँचने के लिए अगर हम बस से आते हैं तो 718 729 जो भी बसें कापासेड़ा को जाती हैं उस पे जाकर आप कापासेड़ा क्रॉसिंग का बस स्टैंड है उस पर उतरकर आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं, या अगर मेट्रो से आते हैं तो द्वारका सेक्टर 21 आप उस मेट्रो स्टेशन पर उतरकर आप यहां आ सकते हैं। वहां से ई रिक्शा वगैरह कुछ भी लेकर आप आराम से आ सकते हैं, और गाड़ी से आते हैं तो आप कापासेड़ा क्रॉसिंग के जो बस स्टैंड है वहां की लोकेशन डाल लीजिए, या फन एंड फूड विलेज वाटर पार्क की लोकेशन डाल के आप पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आप यहां आते हैं, टू व्हीलर से आते हैं तो 20 रुपये की पार्किंग है, और अगर आप फोर व्हीलर से आते हैं तो 50 रुपये की पार्किंग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अगर हम टिकट की बात करते हैं तो टिकट आप जो है अगर सिंगल बंदा होता है तो उसकी 1400 रुपये है, कपल में आते हैं तो 1300 रुपये पर पर्सन मतलब 2600 रुपये की है, और अगर बच्चे की है तो 900 रुपये की टिकट है, ये टैक्स के साथ इंक्लूड है दोस्तों। और दोस्तों 33 इंच से नीचे के जो बच्चे हैं उनकी फ्री है, और 33 से 54 वो बच्चे में काउंट होंगे, और उससे ऊपर की आप अडल्ट में काउंट होंगे। हाइट के लिए लगा रखा है वहाँ पे, तो बच्चों की हाइट नापने के लिए वहाँ नाप सकते हैं। सबसे पहले एंट्री करते ही आप हमें एक क्लाउंस वगैरह मिलेंगे, चार्ली चैपलिन मिलेंगे, इनसे सबसे पहले मुलाकात होगी। ये एंजॉय करने बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट वाटर पार्क है, फैमिली के लिए सबसे बेस्ट वाटर पार्क है। जो यहाँ की सफाई है मतलब पानी वगैरह है सबसे बेस्ट है, राइड्स वगैरह भी सबसे बेस्ट है जो मैंने आज तक घूमी है उससे। ये देखिए आप क्लाउन देख रहे होंगे, ये बाहर की जगह है जहाँ पे फन एंड फूड है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से आप इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं, ये आप सेल्फी पॉइंट वगैरह बना रखे हैं ये फन एंड फूड का। यहाँ इससे आगे ये टिकट का काउंटर है हमारा, ऊपर आपको टिकट की प्राइजेस वगैरह भी दिखेंगे। टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो मंडे से फ्राइडे ये 11 से 6 बजे तक ओपन होता है, और जो सैटरडे संडे मतलब वीकेंड होते हैं उसमें 11 से 7 बजे तक। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसके अंदर खाना इंक्लूड होता है, खाना एक नंबर का खाना होता है बहुत बढ़िया, और स्नैक्स वगैरह अनलिमिटेड खाना जितनी बार खाइए और जितना मर्जी खाइए इस टिकट के प्राइस के अंदर ही इंक्लूड है। सबसे बेस्ट बात इसमें यह है, ये सेल्फी पॉइंट वगैरह बना रखे हैं। ये देखिए, ये हमें 93 में इसकी ओपनिंग हुई थी, उसके बाद ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वाटर पार्क है। बाकी आप जाएंगे तो आपका पैसा वसूल आपको लगेंगे। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक बैंड दे दिया जाता है, उसको एंट्री कर बैंड है। उसके बाद ये जो काउंटर आता है इस पर आप कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे वाटर बॉटल हो गई या स्विमिंग सूट अगर ख़रीदना है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। रेंट के लिए आगे है वो मैं दिखा दूँगा आपको, ये परचेजिंग के लिए है। जैसे ये वाटर बॉटल है, ये कप रखे हैं, प्लेट्स रखी हैं, सब कुछ यहाँ पे फ़ोन के जो वाटर कवर होते हैं वो, जिसके अंदर वाटर प्रूफ कवर होते हैं वो चीज़ें, कुछ भी टॉयज़ वगैरह आप यहाँ से परचेज़ करने के लिए, ये सबसे पहले एंट्री करते ही परचेज़ के लिए है अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो आगे आपको थोड़ा सा आगे चल के लॉकर वगैरह और जो आपको स्विमिंग सूट वगैरह ये जो आपकी ड्रेसेस वगैरह पहननी है, क्योंकि वाटर पार्क में आप घर की ड्रेस नहीं पहन सकते, वहाँ के स्विमिंग सूट वगैरह अलग टाइप से दिए जाते हैं जो कि वाटर प्रूफ वगैरह होते हैं जिससे पानी गंदा वगैरह ना हो, तो वो चीज़ें होती हैं। तो ये आगे जाएंगे आपको ये रेड कलर के जो दिख रहे हैं ये लॉकर वगैरह हैं। इसके लेफ्ट साइड में चेंजिंग रूम है, जो लॉकर आप देख रहे हैं यहाँ पर इससे लेफ्ट साइड में चेंजिंग रूम है, और इससे आगे जाएंगे अभी ये लॉकर इतने ही नहीं है, बहुत लॉकर हैं। ये देखिए ये बहुत सारे लॉकर हैं, इतने लॉकर हैं कि इतनी तादाद में लोग होते भी नहीं हैं, काफ़ी सारे लॉकर हैं। ये आपके टिकट वगैरह जो स्विमिंग सूट वगैरह के प्राइजेज़ हैं वो प्राइजेज़ बता देता हूँ। सिंगल आप शॉर्ट्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए निक्कर वगैरह लेते हैं तो उसके 100 रुपये प्राइस हैं, और आप पूरा लेते हैं नीचे ऊपर का तो उसके आपके 150 रुपये प्राइजेज़ हैं।
ट्यूब के 100 रुपये, ऐसे ही अलग अलग तरीके के प्राइजेज हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, टिकट और जो ये स्विमिंग सूट वगैरह लिए जाते हैं, इसके ऊपर पर पर्सन 200 रुपये सिक्योरिटी ली जाती है, जो कि हमें बाद में रिफंडेबल है जब हम ड्रेस देंगे या जो हमें बैंड बांधा जाता है, हाथ पे बैंड होता है, वाटरप्रूफ बैंड होता है, उसको बांधा जाता है, जब हम उसको वापस करेंगे तब के लिए है। लॉकर के भी 200 रुपये होते हैं, उसके ऊपर भी आपको सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह होंगे, वो जब आप रिफंड करेंगे तब आपको पैसे भी रिफंड मिल जाएंगे जो आपके सिक्योरिटी चार्जेस है। बाकी जो चार्ज लगने हैं वो तो लगेंगे ही दोस्तों। सबसे पहले एंट्री करते ही हमें ये जंगल वाटर पार्क बोल लीजिए, जंगली स्लाइड बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, सबसे पहले हमारी एंट्री करते ही ये है। ये देखिए ऊपर से पानी गिर रहा है, ये एक एलिफेंट की शेप में एक बड़ा सा बर्तन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जिसके अंदर पानी भरता रहता है, और पूरा भरने के बाद ये एकदम गिरता है, और इसके नीचे जब आप खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे झरने वगैरह के नीचे खड़े हैं। काफ़ी अच्छी है ये, आप स्लाइड्स देख रहे हैं, इस ये सबसे बेस्ट यहाँ का स्लाइड है, झूला कह लीजिए, स्लाइड कह लीजिए, सबसे बेस्ट है। यहाँ पे पानी बच्चों के हिसाब से लेके बड़ों के हिसाब तक सारे झूले हैं। ये हमारा वेव वाला हिस्सा है, जहाँ पे वेव आती है ये पानी स्टार्टिंग में कम होता, आगे आगे जाएंगे तो 9 या 10 फुट तक ये पानी चला जाता है। इसमें वेव्स आती हैं, हर एक घंटे में वेव आएगी, जो कि 15 मिनट के लिए आएगी, और उसमें जो एंजॉय का मोमेंट होती है, बेस्ट मोमेंट होती है एंजॉय करने के लिए उसके अंदर दोस्तों। आप इसमें ऐसे लगेगा जैसे आप इसके अंदर ही रहे, बाहर निकले ही ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बच्चों बड़ों के लिए सबसे बेस्ट वाटर पार्क जैसे मैं बता रहा हूँ। ये देखिए आपके ये जो स्टैचू वगैरह लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी जंगल में आ गए हों। एलिफेंट का, इसका जिराफ का, ये पांडा बना हुआ है, नीचे आपको मगरमच्छ मिलेगा, ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं, शेर वगैरह, और वो पानी के अंदर बड़े ही सुंदर लगते हैं। यहाँ की जो क्लीननेस है वो भी सबसे बेस्ट यहाँ के अट्रैक्शन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप ये स्लाइड देख रहे हैं, ये बच्चों की स्लाइड है, ये जो घुमावदार स्लाइड देख रहे हैं इसमें बड़े भी जा सकते हैं, और एक एज लिमिट होती है उतने बच्चे भी, और हर जगह आप ये देखिए आप जो पानी गिरा है, ये देखिए बड़ा इन्जॉयबल या बड़ा फन आता है यहाँ पे। ये हमारी राइड है, ये अगली राइड जो मैं बता रहा हूँ स्लाइड है, ये आप ऊपर से आएंगे, एक मैट होती है उसके ऊपर उल्टा लेटकर आप उस स्लाइड के ऊपर आएंगे। इसी ये तीन स्लाइड है, ये तीनों एक जैसी हैं, ऊपर से आते हैं, एक मैट दिखेगा आपको, उसको लेके जाना होता है ऊपर, और ऊपर से आप आते हैं, मैं अभी कोई आएगा उसको दिखाता भी हूँ, और एक कैप्सूल होता है, वो कैप्सूल सबसे मेरे ख्याल से सबसे एडवेंचर वाली चीज़ है। ये देखिए ये आया है ऊपर से, ये उल्टे लेटे हुए हैं, और ये देखिए ये मतलब आप पूरे दिन इंजॉय करते करते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मज़ा ख़त्म नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि आप निकले ही ना यहाँ से बाहर। एक कैप्सूल भी होता है जो मैंने आपको बताया, ये अभी जो स्लाइड देखी थी ये उसके अंदर का दिखा रहे हैं, ये देखिए इसके ऊपर ऐसे लेटना पड़ता है, ये मैट है, लेट के दोनों हाथों से पकड़ के उल्टा लेट के, और आपको वहाँ पे हर जगह सबसे बढ़िया बात एक चीज़ और है, हर जगह आपको जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो खड़े रहते हैं। ये देखिए नीचे गए कितना, ये देखिए पानी के अंदर देखिए कितना, आप सोच के देखिए कितना मज़ा आएगा इसके अंदर करने से। हर जगह आपको मैंने जैसा बताया गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं, जो हमें अगर हमें कोई परेशानी होती है या हमारी सेफ्टी के लिए हर जगह होते हैं, कितने बच्चे कर सकते हैं उनको रोकने के लिए, एक एज होती है, एक हाइट होती है, उस लिमिट के लिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, हर जगह आपको खड़े मिलेंगे, सेफ्टी का इशू बेस्ट है। ये कैप्सूल वाली जो बता रहा था मैं, इसके अंदर आप जाएंगे और नीचे से एकदम ऐसे लगेगा जैसे धरती निकल गई हो, और एकदम आप जाएंगे और स्लाइड के ऊपर नीचे जाते हुए बाहर निकल जाएंगे। आपको इसमें बड़े बच्चे ही जा सकते हैं, छोटे अलाउ नहीं है। हर चीज़ में एक हाइट के हिसाब से हर स्लाइड डिसाइड कर रखी है। ये ऊपर से नज़ारा देखिए आप कितना सुंदर है, पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ, इसमें आपको पूरा का पूरा वाटर पार्क दिखेगा, इसलिए ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरा का पूरा वाटर पार्क आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है कि कितना बड़ा वाटर पार्क है, और पानी देखिए कितना साफ़ है, आपको इतनी ऊपर से भी बिल्कुल ज़मीन का पानी दिख रहा होगा कि बिल्कुल साफ़ और सुथरा पानी है। ये मेरे ख्याल से रिसाइकिल होता रहता है, बार बार आता रहता है। और ये अगली स्लाइड है जिसे हम फन स्लाइड बोलते हैं, इसी के साथ एक टोर्नेडो स्लाइड है। ठीक है दोस्तों,
फ्रंट स्लाइड में आपको एक ट्यूब दी जाती है जिसके ऊपर दो बंदे बैठते हैं, एक आगे और एक पीछे, और वहाँ पे जो गार्ड होता है वो थोड़ा सा आगे करता है और एकदम नीचे आते हैं आप, बड़ा ही वो होता है। और इसके जो वो होती है ट्यूब, वो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वो नीचे से ही मशीन के द्वारा ऊपर चली जाती है। आपको सिर्फ ऊपर जाना है और आपको इंजॉय करते हुए नीचे आना है, ठीक है दोस्तों। उसी के साथ एक टोर्नेडो है, ये घूमने वाली, इसके अंदर आप घूमेंगे, पूरा घूमेंगे, पहले ऊपर से नीचे आएंगे, फिर घूमेंगे और एक नीचे तालाब टाइप या एक ऐसे बना हुआ है कुंड टाइप, उसके अंदर गिरेंगे आप। मतलब जितनी मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा आपको इस वीडियो में जो देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा एडवेंचर इस वाटर पार्क में आपको होने वाला है। अब इसकी थोड़ी राइड लेके दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे राइड्स हैं ये वाली जो स्लाइड है जो मैंने अभी आपको बताई है, इसकी भी करके दिखाऊंगा। ये सबसे पहले ऊपर सीढ़ियों से हमें जाना पड़ता है, सीढ़ियों से जा रहे हैं और ऊपर से ही फिर हमें दो यहाँ पे स्लाइड मिलेंगी, एक जो मैंने आपको वो ट्यूब वाली स्लाइड बताई और एक जो टोर्नेडो वाली स्लाइड बताई है। और काफ़ी स्लाइड्स की कंस्ट्रक्शन हो भी रही है दोस्तों, आगे के लिए आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्लाइड्स खुलेंगी, ये अपने आप में चेंज करते रहते हैं। ये टोर्नेडो का जो मैंने आपको बताया था, अभी इसके अंदर मैं आपको जाके बताऊंगा। ये देखिए आप इसके अंदर जाएंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसा लगेगा ये देखिए, और यहाँ से पहले जाएंगे और फिर नीचे एक ओपन आएगा, यहाँ पे आप घूमते रहेंगे, ये इसके अंदर आप घूमते रहेंगे काफ़ी देर तक, चार पाँच चक्कर काटेंगे, चार पाँच चक्कर काटने के बाद ये पानी के अंदर गिर जाएंगे आप। यहाँ पर भी गार्ड खड़ा होगा जो ये खड़े थे, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो एक सेकेंड के अंदर अंदर ही आपको पकड़ के आपको निकाल लेता है। अगर कोई मतलब आपको सेफ्टी इशू लगा लीजिए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। ये सबसे बेस्ट मूवमेंट है यहाँ, मतलब सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी, फर्स्ट एड वगैरह सब चीज़ें आपको अंदर ही मिल जाएंगी, और खाना जितना मर्जी जैसे मर्जी। यह आप जो देख रहे हैं ये लेज़ी रिवर है, लेज़ी लेक बोल लीजिए, इसके अंदर आप पूरा ये सर्कल में है, आप इसके अंदर डूबे रहिए, स्विमिंग कीजिए, जैसे इंजॉय करना है आपको कर सकते हैं। इसके अंदर मेरे हिसाब से 5 फुट के आसपास पानी होता है, बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए एक और दिखाऊंगा मैं, उसे बोलते हैं रेन डांस का, वो बच्चों के लिए भी है। काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए भी बैठने बैठने की सारी सुविधाएँ हैं, कोई थक जाता है तो बैठने के लिए हर तरीके की। मतलब आप अंदर आएंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा हमें वहाँ ये लेना है, ये देना करना है, वो करना है, आपको सब कुछ अंदर मिले। ये देखिए आप वेव देख रहे हैं जो मैंने अभी बताई थी, ये वेव्स आ रही हैं, ये पानी के अंदर वेव्स आ रही हैं। सबसे जब वेव्स आती हैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, देख रहे होंगे आप कैसे लोग बाग कूद रहे हैं पानी के अंदर, इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए आप, मतलब बहुत अच्छा है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए हैं तो। ये आगे के हिस्से दिखा देता हूँ, ये हमारा खाने के पार्ट वो है, कैंटीन का एरिया है, यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें हैं, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए, स्नैक्स लीजिए, बच्चों से लेके बड़ों तक की खाना खाइए, हर चीज़ मिलेगी आपको, लस्सी वस्सी हर चीज़ मिलेगी, जो आप एक शादियों जैसा जो खाना होता है उससे भी बेस्ट खाना है। बैठ के खाइए, खड़े होके खाइए, जैसे मर्जी खाइए आप यहाँ पे। ये देखिए ये पूरा एरिया है, जितनी मर्जी खाइए और जितनी बार, और खाने का टाइमिंग है लेकिन मंडे से फ्राइडे 12 से 5 खुलेगा ये खाने के लिए, और जो वीक एंड है मतलब जो सैटरडे संडे हैं उसके अंदर ये 12 से 6 बजे तक होगा दोस्तों, उससे ना पहले उस ना उसके बाद। और भी आगे अभी दिखाते हैं, मतलब आप पूरे वाटर पार्क में एक तो सबसे बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ की, जो ये स्टैचू वगैरह बना रखे हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप, ऐसा लगेगा जैसे आप सच में पानी की दुनिया में आ गए हो। बच्चों के हिसाब से बच्चे हर जगह इंजॉय करते हुए दिखेंगे, उनको देखने के लिए, उनकी अट्रैक्शन के लिए काफ़ी चीज़ें बना रखी हैं, डस्टबिन भी ऐसी बना रखी हैं जैसे बच्चों के अट्रैक्शन के लिए बना रखी हैं, काफ़ी सुंदर है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये मैंने दिखाया था जो ये स्लाइड आपको सबसे पहले दिखाई थी जिस पे हम मैट लेके नीचे आते हैं, उसके साथ ये कैंटीन थी हमारी, और उसी के साथ वो जंगल वाले वो जंगली स्लाइड वाली थी, उसके अंदर वो थी जंगल स्लाइड में सबसे ज़्यादा स्लाइड है। ये देखिए ये मैंने जो आपको बताई थी, ये कैप्सूल के अंदर है, कैप्सूल के अंदर जाएंगे
आपको बाहर से उस शीशे को बंद कर दिया जाएगा और 5 सेकंड तक अंदर इसका प्रेशर बनता है और वो एकदम खुलता है जो नीचे की, ये देखिए एकदम गए, ये अभी नहीं है। जैसे ही आप एकदम करेंगे और एकदम आप नीचे धस दे जाएंगे, ऐसा लगेगा आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा ही एडवेंचर आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए ये एकदम गए और आप एकदम नीचे जा रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाया, और सीधा पानी के अंदर निकलेंगे आप। ये देखिए इसके अंदर शूट करना पॉसिबल नहीं हो सकता था, इसलिए आपको शूट करने की कोशिश की है लेकिन पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन आपको मतलब बड़ों के लिए तो एक किस्म से सबसे एडवेंचर वाली चीज़ है, जितना आप एडवेंचर कर सकते हैं आपको यहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, हर जगह आपको ग्रीनरी टाइप में दिखा रखा है, चाहे वो मैट लगा रखी हो या चीज़ें लगा रखी हों, ग्रीनरी। ये देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया था जंगल वाली, ये देखिए इसमें डॉल्फिन से आप पानी निकल रहा है डॉल्फिन के मुंह से, ये स्लाइड्स हैं, ये बच्चों के लिए स्लाइड्स नीचे से हैं, ये जो राउंड राउंड स्लाइड्स हैं ये ऊपर मतलब बड़ों के लिए हैं, हर एज की बंदों के लिए हर स्लाइड मिल जाएगी आपको। छोटे बच्चों, आपको 3-4 साल के बच्चों से लेके बड़े बच्चे तक हर जगह की आपको स्लाइड मिल जाएगी। इसके अंदर एक फैमिली स्लाइड भी है, उसके अंदर आप फैमिली का भी कर सकते हैं, पूरी फैमिली बैठ के उसमें ट्यूब वगैरह में जाके, ये देखिए आप ऊपर जाएंगे पहले सीढ़ियों से। इसमें भी जाते वक्त आपको पानी गिर रहा होगा आपके ऊपर, ऐसा लग रहा होगा जैसे हर जगह बारिश ही बारिश आ रही हो, हर जगह ऐसा ही लगेगा। यहाँ पे कम से कम आपकी 8 से 10 स्लाइड हैं इस जंगल स्लाइड में, आप यहाँ से जिस भी चूज करना चाहते हैं, आप एक एक करके भी लेंगे तो आपको 1 घंटा तो यही झूलने में लग जाएगा और ऐसा लगेगा बार बार स्लाइड ही करता रहूँ, स्लाइड ही करता रहूँ, स्लाइड ही करता रहूँ। आप पूरे दिन आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों जाके। और सफाई बिल्कुल, आप सफाई ऐसे है जैसे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई है, इसलिए ही मेरे को ये पार्क अच्छा भी लगा, इसीलिए वाटर पार्क ये बेस्ट भी लगता है मुझे। टिकट के हिसाब से आप खाना खाएंगे, इंजॉय करेंगे, उस हिसाब से मेरे हिसाब से टिकट भी वसूल है। ये आपके अंदर मैं एक उसमें स्लाइड करके दिखा देता हूँ, ये स्लाइड है, इसके अंदर लाइटें दिखेंगी आपको, ये लाइटें नहीं होती, ये जगह जगह से रोशनी होती है सूरज। ये देखिए आप, हम जा रहे हैं इसके अंदर सीधा, कई राउंड्स ले लेंगे आप सीधा इसके पानी के अंदर से निकलेंगे और आपको मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसके अंदर। ये देखिए ये जो राउंड राउंड अभी आपने देखा था, ये सारे घूम घूम के आपको पानी, देखिए आप बिल्कुल आपको ज़मीन भी दिख रही है, इतना साफ़ पानी है, ये देखिए बिल्कुल साफ़ पानी, बिल्कुल साफ़ पानी, इतने लोग हैं यहाँ पे उसके बावजूद भी इतना साफ़ पानी है। ये मेरे ख्याल से साइकिल होता रहता है, गंदा साफ़ होता रहता है ये पानी, मेरे हिसाब से जो लगता है इनका जो भी सिस्टम है वो, ये देखिए टोर्टोइज है पानी के अंदर, जो भी सिस्टम है वो काफ़ी बेस्ट है। ये वेव वाला हिस्सा जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए स्टैचू हर जगह खड़े मिलेंगे, कोई पॉपकॉर्न का है, कोई डॉल्फिन का है, हर जगह ये वाटर फिसलन विसलन ना हो इसलिए ये मैट बिछा रखे हैं ग्रीन कलर के, इस पर आप फिसलते नहीं हैं। ये लेजी रिवर है, इसके अंदर आप बहुत मतलब आप एक किस्म से डूबे रहे पड़े रहे इसके अंदर, आपको अच्छा लगेगा इसके अंदर, निकलने का मन ही नहीं करता। और ये चारों तरफ है, ये मैं आपको घूम के दिखा रहा हूँ, ये चारों तरफ है, ये एक बीच में वो बना हुआ है क्या जिसे बोलेंगे रेन डांस, वो एरिया है, उस रेन डांस के अंदर आप छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक सारे मस्ती करते दिखते हैं। वहाँ पे म्यूज़िक बजता रहता है, गाने बजते रहते हैं एक से एक, आप ऐसा लगेगा जैसे डीजे रूम वगैरह में आ गए हों, वहाँ आप मस्ती कर सकते हैं खूब सारी। ये देखिए गहरा पानी है, यहाँ पे एक रस्सी लगा रखी है कि उससे आगे नहीं जाना, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो रही है अभी, और चीज़ों की नई नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। बैठने के लिए हर जगह सुविधा है, आप थक जाते हैं बैठना चाहते हैं, आपके साथ बड़े आए हुए हैं वो बैठना चाहते हैं, हर मोड़ पे आपको मिल जाएगी। आपको इसके अंदर ये जो मैं राउंड राउंड लेजी रिवर के लेजी लेक कह लीजिए, रिवर कह लीजिए, इसके चारों तरफ जो घूम के, यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है, ये जो बॉक्सेस वगैरह दिख रहे हैं इसके अंदर सारी, जैसे इनका ऑफिस के चीज़ें या काफ़ी यहाँ पे बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, आने वाले टाइम में आपको और चेंजमेंट दिख सकती है यहाँ पे, चेंजेस दिख सकते हैं यहाँ पे। ये जो आप थोड़ा सा एरिया देख रहे हैं ये भी स्विमिंग के लिए है हमारा, ये भी उसी से रिलेटेड है। ये आगे आपको फन स्लाइड भी दिख रही है, ये देखिए
अब मैं आपको और दिखाता हूँ, ये यहाँ मस्ती करने का मतलब, आप हर हर एज का सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि हर एज के लिए आपको हर तरीके की स्लाइड, मस्ती करने का ट्यूब ले सकते हैं आप, हर चीज़ मिलेगी आपको। आप जो टाइमिंग बताया मैंने आपको यहाँ पे एंट्री का, वो भी आपको ऐसे लगेगा कि ये टाइमिंग भी कम है, हमें तो और मस्ती करनी है, लेकिन आपकी मस्ती ख़त्म नहीं होगी। ये ट्यूब्स हैं जिनके ऊपर से हम आते हैं दोस्तों, कोई अगर आता है मैं दिखाता हूँ आपको, ये अभी अभी आए हैं ये काफ़ी, और सेफ्टी का सबसे बड़ा वो होता है यहाँ पे इशू, मतलब आपको पूरी सेफ्टी रहेगी, हर जगह गार्ड खड़े मिलेंगे आपकी सेफ्टी के लिए, चाहे वहाँ ऊपर से स्लाइड कर रहे हैं तब, और चाहे नीचे स्लाइड करके हम आते हैं तब, आपको हर जगह गार्ड्स वगैरह मिलेंगे। कोई भी आपको किसी भी तरीके की, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, किसी भी एज का हो, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। दोस्तों बार बार कहता हूँ मैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको मज़ा आ रहा है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी वीडियोस और भी आगे फ्यूचर में लाऊंगा। यह हमारे बैठने के लिए पूरी सुविधाएं हैं, पूरे पूरे वाटर पार्क में आपको बैठने से लेके लेटने, ये लेटने के लिए भी है, आपको बहुत अच्छी सुविधाएं बना रखी हैं यहाँ पे। ये देखिए हर एज के बंदे भी दिख जाएंगे, हर एज के बंदे आपको कोई ऐसी, और सबसे बढ़िया बात जो मुझे एक और लगी यहाँ पर, यहाँ पे जो बंदे यहाँ पे जो आती है फैमिलीज़ वगैरह, वो आपको असामाजिक तत्व या ऐसी बंदे नहीं आते जिससे आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो। फैमिली वगैरह आएंगी, सारे वेल एजुकेटेड अच्छे बिहेव वाले बंदे दिखेंगे आपको, कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखेगा जो किसी भी तरीके की कोई गलत गतिविधि वगैरह या कुछ भी ऐसी तरीके की चीज़ें कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखने वाला आपको यहाँ पे भी, पूरी इस चीज़ की देखा भी जाता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है कि मैं पूरे उसको कवर कर सकूं और एक एक चीज़ यहाँ के बारे में बता सकूं। फिर भी इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रह सकता है, डाउट रह जाता है, या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ ले दोस्तों, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आप मेरे फेसबुक पेज पर भी ऐसी वीडियो देखने के लिए, फेसबुक पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को, जो पेज है मेरा आरके मिक्स एंटरटेनमेंट नाम से, उसको फॉलो करना ना भूलें। और आप मेरी जो इंस्टा की आईडी है उसको भी आरके मिक्स एंटरटेनमेंट नाम से ही है, उसको भी फॉलो कर लें, दोनों फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आप मेरे को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब या आंसर ज़रूर दूंगा उस कमेंट का। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया था, ये मैं आपको ऐसा लग रहा होगा, ये देखिए आप, मैं तो जल्दी जल्दी घूम के दिखा रहा हूँ ताकि आप तक ये सारी चीज़ें दिखा सकूँ, लेकिन आप जितना मैं दिखा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा मज़ेदार ये चीज़ें हैं दोस्तों। ये हमारा फ़न एंड फूड की जो पीछे से अगर जा सकते हैं कैंटीन के लिए, और उधर की तरफ से भी जो मैंने पहले रास्ता दिखाया था, दोनों तरफ से रास्ता है, यहाँ पर हमारे स्नैक्स वगैरह, टिक्की बर्गर, हर गोलगप्पे, जो मतलब मैंने आपको बताया जैसे शादियों से रिलेटेड जो भी खाना होता है वो सारी तरीके का आपका यहाँ खाना मिल जाएगा, हर तरीके का, बच्चे से लेके बड़े तक का, सबका पेट के लिए सबके खाना मिल जाएगा, बैठ के खाइए आप, सबको देखते हुए खाइए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें, कमेंट बॉक्स में है तो कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें मैक्सिमम से मैक्सिमम जैसे मैंने शेयर बताया, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों फेसबुक पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को भी फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम पेज जो कि आरके मिक्स एंटरटेनमेंट नाम से ही है उसको भी फॉलो कर लें। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपको देखने में जितना अच्छा लग रहा होगा उससे ज़्यादा यहाँ पर जाके आपको ऐसे लगेगा कि वीडियो में तो कम दिखाया है, इन्जॉय उससे भी ज़्यादा हो रहा है। ये रेन डांस वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी बच्चे म्यूज़िक बजता रहता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक डांस करिए, मस्ती करिए, जो मर्जी करिए, ये ऐसा लगेगा जैसे आपको बारिश हो रही है, ऐसे जितना इन्जॉय कर सकते हैं आप कर रही हैं आप पूरा शरीर, ये देखिए छोटे बच्चे भी इन्जॉय कर रहे हैं, हर एज के डांस कर सकते हैं, म्यूज़िक बजेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में,